हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि वो यूज कैसे करने हैं, मेकअप जो है किस तरीके से उन प्रोडक्ट से करना है। तो यहाँ पर मैंने चेहरे को वॉश कर लिया था, तो अब मैंने सबसे पहले टोनर डाल लिया है और उसके बाद टोनर मेरा है गुड वाइब्स का D10 ग्लो वाला टोनर है, केसर और चंदन का, हल्दी का। तो अगर आप टोनर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए। और उसके बाद मैंने उसी का मंगा लिया था सीरम, तो वो लगा लिया है और वो भी D10 का था, फेस ग्लो का सीरम था। और उसके बाद अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप जो है मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए कोई सा। तो इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है नीविया का मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है और आपकी स्किन को जो है स्किन पे चिपचिप भी नहीं करता है। तो ये मॉइस्चराइज़र इस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद लिप बाम लगा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमें स्किन केयर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्किन केयर अगर आप कर लेंगे उसके बाद मेकअप करेंगे तो आपकी जो स्किन है हमेशा ग्लो करती रहेगी। क्योंकि स्किन पे ना डायरेक्ट मेकअप कभी भी नहीं लगाना चाहिए, पहले स्किन केयर प्रॉपर करना चाहिए। तो मेरा स्किन केयर यहाँ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम प्राइमर लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि प्राइमर मैंने यहाँ पर कलर वार का यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा है और एक NY का भी है, वो भी अच्छा है। तो अगर आप जो आपको सूटेबल पड़े वो आप ले सकते हैं, कलर वार का थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और उसके बाद ये देखिए प्राइमर क्यों लगाना ज़रूरी होता है ये भी मैं बता दूं आपको। देखिए प्राइमर लगाना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि प्राइमर से क्या है, एक चेहरे पर लेयर बन जाती है जो कि आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उनमें मेकअप जो है एंटर नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो प्राइमर है वो लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी बात, चेहरे पर जो है एक लेयर हो जाती है, एकदम फ्लॉलेस मेकअप जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका जो मेकअप है बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगा, पैची सा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने फिट मी का अपने स्किन के टोन के हिसाब से शेड नंबर ले लिया है और वो फाउंडेशन ले लिया है अपने स्किन टोन के हिसाब से, मेरा है 128 फिट मी का। तो अभी तक मैंने इसको ही यूज किया है तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। तो यहाँ पर मैंने देखिए आपको अंतर दिखा रही हूँ कि इस साइड आप चेहरे में देखिए और इस साइड देखिए, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है फाउंडेशन से चेहरे पे। लेकिन अगर आपका वो स्किन टोन का होगा तो क्या ही बात है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लगा लिया है फिट मी का और मेरे स्किन टोन से मैच करता हुआ है। और हाँ जी, आप कलर जब भी लगाएं तो कान को ना ऐसा छोड़ें, आपने ईयर में भी लगाएं और नेक पर भी लगाएं, तो उससे क्या है जो आपका चेहरा है और कान और गर्दन आपकी अलग नहीं दिखेगी, ये भी जो है चेहरा से मैच करती हुई होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मैंने लगाया है उसके बाद कॉम्पैक्ट, क्योंकि गर्मी है तो आपको फाउंडेशन सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर मेबलिन फिट मी का ही लिया है कॉम्पैक्ट, जो कंपनी का मेरा फाउंडेशन है उसी का ये कॉम्पैक्ट है। तो इसको आप भर भर के लगा लेना है, क्योंकि क्या है कि कॉम्पैक्ट हमारे चेहरे पर काम करता है, स्वेटिंग को नहीं आने देता है, और प्राइमर है वो ओपन पोर्स को क्लोज कर देता है, इसलिए प्राइमर ज़रूरी रहता है। और कंसीलर, अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो आप कंसीलर भी यूज कर सकते हैं, मेरे अभी तो नहीं हैं, तो हाँ जगह बे जगह हैं तो वो मेरे जो फाउंडेशन है उससे हाइड हो जाते हैं। उसके बाद देखिए आईब्रो भी फिल करना ज़रूरी होती है, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास ये किट हो, आप कोई भी आई शेडो अगर पैलेट है आपके पास तो आप वो ले सकते हैं और उसमें से जो है ब्राउन कलर जो है आप अपने आईब्रो पे लगा करके इस तरीके से आईब्रो को शेप दे सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले आईब्रो फिल कर लेंगे और उसके बाद इस पर कॉम्ब कर देंगे, हल्का सा एक साइड कॉम्ब आता है इसमें तो बस कॉम्ब कर देंगे और उसके बाद दूसरे साइड भी आईब्रो को फिल कर लेंगे। और फिल करने से क्या है, जो भी आप फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट लगाते हैं वो आईब्रो में मतलब भर जाता है, तो इस वजह से अगर आप थोड़ा वो कॉम्ब कर लेंगे
लगा करके ब्राउन कलर तो थोड़ा सही रहता है। और यहाँ पर मैंने ममा अर्थ का काजल लिया है, ये बहुत ही अच्छा काजल है, लेकिन मेरी आँख पे जो है इस टाइम काजल वगैरह सारा कुछ इरिटेट करता है, तो मैं आउटर लाइन पर लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, इनर पर मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इनर पर लगाने के से और ज़्यादा आंसू आते हैं मेरे, क्योंकि देखिए मैं आउटर पे लगा रही हूँ तब भी इतना दिक्कत हो रहा है मुझे। लेकिन मेकअप में आईलाइनर, काजल, मस्कारा, ये तीनों बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, इसलिए लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। उसके बाद बस आप मस्कारा मैंने इसमें पहले लगा लिया है, लेकिन आप अगर बिगनर्स हैं तो आईलाइनर पहले लगाएं, क्योंकि मस्कारा के बाद आईलाइनर आपसे बिगड़ सकता है या मस्कारा मैसी हो सकता है। इसलिए आप क्या करें कि पहले आईलाइनर लगाएं। मैंने यहाँ पर मस्कारा पहले लगा लिया है, तो इस टाइम देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उस वजह से गर्मी में मेकअप वीडियो शूट करना बहुत ही मतलब कठिनाई का काम है, आप लोग जानते ही होंगे। और उसके बाद मैंने लगा लिया है यहाँ पर कलर एसेंस का मेरा, मैं आपको बता दूं किस कंपनी का है, कलर एसेंस का मेरा ये मस्कारा है और मेरा सॉरी आईलाइनर है, और मस्कारा मेरा था स्विस ब्यूटी का, वो भी बहुत ही अच्छा है और इतना अच्छा है कि आप जो कि जो लैसेज हैं वो इतनी अच्छी स्ट्रेट होती हैं कि और ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। तो चलिए जी, हो गया है मस्कारा, आईलाइनर और काजल। उसके बाद चलिए कर लेते हैं चेहरे को थोड़ा सा पतला। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कंटूर करिएगा, इस तरीके से आप बना करके मतलब लिप्स जो आप देख रहे हैं इसी तरीके से कंटूर आपको लगाना है। और इससे क्या है, थोड़ा बहुत जो चेहरा भारी होगा ना, तो थोड़ा सा ये इससे ना पतला दिखता है। और उसके बाद क्या है, जैसे कि फॉरहेड है, फॉरहेड पे थोड़े से ना ये चौड़ा सा दिख रहा है, तो उस पर भी लगाना ज़रूरी होता है। तो उससे क्या है, जब भी आप फ़ोटो वगैरह आपकी खींचेगी या कुछ होगा तो उससे क्या है कि आपका चेहरा पतला दिखेगा। और डबल चिन है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ, नीचे भी लगाना है। और नोज़ पे ऐसा कुछ मेरी ऐसी है नहीं, तो मैं नोज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। उसके बाद कंटूर हो गया, उसके बाद आ गई है बारी ब्लश की। तो देखिए ये शुगर का पैलेट है, उसमें कंटूर, हाइलाइटर और शुगर और ब्लश तीनों आ जाते हैं, तो मैंने इसी को परचेज़ किया है। और आप देखिए, अगर आपको चेहरा अपना गोलू गोलू दिखाना है तो आपको डायरेक्ट गाल पे लगाना है ब्लश, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे जो मैंने लगाया है, उससे आपका जो है मेकअप बहुत ही अच्छा दिखेगा और चेहरा भी पतला दिखेगा। और उसके बाद अब मैं ये लगा रही हूँ क्या बोलते हैं हाइलाइटर। हाँ जी, ये जो है नेचुरल किट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको चमकू चमकू हाइलाइटर नहीं दिखेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा चमकू लेना है तो और भी आते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, ये देखिए मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया है, और उसके बाद आप लास्ट में देखना बहुत ही अच्छा लुक आया है। तो यहाँ पर क्या, अब बारी आ जाती है लिपस्टिक की। तो मैंने यहाँ पर पिंक शेड लगाया है लिपस्टिक का, तो इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने पिंक शेड लगा लिया है लिपस्टिक का। और लिपस्टिक और रह गई है लास्ट में बिंदी, तो उससे ही जो है पूरा लुक आता है। उसके बाद आज इस टाइम जो है गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कोई वैसी हेयर स्टाइल नहीं बनाई है, मैंने बन बना लिया है ऊपर, और उसी तरीके से थोड़ा सा अपने बालों को आगे से कर्ल कर लिया है लट निकाल के। तो इसी तरीके से आप ये नॉर्मल मेकअप जो है करके कहीं भी जा सकते हैं। ये हुआ मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल लुक लग रहा है। और मैंने बनाया है यहाँ पर बन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने पिंजड़े वाले पहने हैं ईयरिंग्स। और ये लुक आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।